हेलो दोस्तों, सेकंड वीडियो को आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी यहाँ पे हम कैलकुलेशंस जो है अभी हम को बताएंगे। तो कुछ भी प्रोडक्ट ले लो, कुछ ऐसा कीबोर्ड, इसका कुछ बैच नंबर रहेगा, समथिंग विल से V77, और इसका HSN कोड कुछ रहेगा 101012। इसका कुछ रेट रहेगा समथिंग 2725.110, और इसका कुछ क्वांटिटी भी रहेगा समथिंग अराउंड विल से 12। इसमें कुछ आपको हमको डिस्काउंट है 5%। तो यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू क्या आएगा अभी हम आपको बताते हैं। तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर लिखाएंगे, सो 725.10 इंटू 12 विल गिव यू द एक्चुअल ग्रॉस वैल्यू, दिस डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5% विल गिव यू द डिस्काउंट वैल्यू, सो 435.06। नाउ 725.10 इंटू 12 माइनस 435.06, तो हमारा ये वैल्यू जो है 82.6614 हमारा ग्रॉस वैल्यू होता है। तो ये तो बिफोर टैक्स ही हमको ग्रॉस वैल्यू आता है। तो ये कैलकुलेशन कैसे करने का, तो यहाँ पे इस इक्वल्स बनाएंगे, इस इक्वल्स टू सम राइट ओपन ब्रैकेट रेट इंटू क्वांटिटी, ये तो हो गया हमारा ग्रॉस वैल्यू माइनस, ठीक है सम ये हो गया रेट इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 100 इनटू डिस्काउंट, ये होगा हमारा जीएसटी वैल्यू, सॉरी 100 इनटू G8, सॉरी ये तो गलत हो गया, 82.6614। फिर से कैलकुलेशन करेंगे और एक बार 725.10 इंटू 12 या तो 8701.20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू डिवाइड बाय 100 इंटू 5%, ये होगा 435.06, सो 725.10 इंटू 725.10 इंटू सॉरी 725.10 इंटू 12 ये होगा हमारा ग्रॉस वैल्यू, सो 8701 यहाँ पे लगाएंगे 8701.20 ऐसा होगा कुछ, ये तो हमारा वैल्यू आ गया। इसका डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 5% ये होगा 435.06 ये इसका माइनस करेंगे इज इक्वल्स टू सम दिस माइनस दिस क्लोज, तो को यहाँ पे आ गया 826.14। तो ये हमारा वैल्यू जो है करेक्ट है, ये होगा हमारा कुछ जीएसटी। अभी तो हमारे पास बहुत बहुत डिफरेंट है, 0% है, 5% है और 12% है, 18% है, 28% है ऐसा। तो विल टेक एन एग्जांपल ऑफ 5%,
तो 5% का कुछ, 5% का CGST वैल्यू होगा इसका, इसमें से आधा, तो हम इसमें इज इक्वल्स टू सम सम सॉरी इज इक्वल्स टू सम ये डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो 2.5 आ गया। तो इसका वैल्यू मैं आपको बता दूँ, इसका भी ऐसे ही होगा, एस जी एस टी का वैल्यू ये बोल्ड करेंगे। अच्छा, ठीक है, ये भी बोल्ड करेंगे। तो इसका वैल्यू जो है अभी हम आपको बताता है, तो एस जी एस टी वैल्यू क्या होगा अभी हम आपको बताते हैं। ये इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला सही होगा, इज इक्वल्स टू सम ओपन ब्रैकेट दिस डिवाइडेड बाई टू, सॉरी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, 5 में से आधा 2.5%, 2.5, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को पे करना होगा। और IGST का मतलब है टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होगा, तो यहाँ पे होगा डायरेक्टली आपका CGST वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया। तो यहाँ पे होगा आपका सम 5% इज इक्वल्स टू सम सॉरी सम यहाँ पे हो गया हमारा डिस्काउंट एकदम 5%, यहाँ पे 5% का वैल्यू आ गया। IGST का मतलब है पूरा स्टेट गवर्नमेंट को पे करना। अबे इसका वैल्यू कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है ये वैल्यू से, अभी हमारा जो ग्रॉस वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू में ये तो हमें जो बता रहे हैं आपको, ये इंक्लूडिंग टैक्स का फॉर्मूला है। फॉर्मूला इंक्लूडिंग टैक्स का फॉर्मूला होता है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें ही हमारा डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट शिफ्ट आई टैक्स फॉर्मूला तो इंक्लूडिंग टैक्स का फॉर्मूला मतलब है कि ये 8266.14 में ही हमारा CGST टैक्स और SGST टैक्स का फॉर्मूला रहता। तो इसमें का फॉर्मूला कैसा रहता है कि इज इक्वल्स टू सम ओपन ब्रैकेट ग्रॉस वैल्यू इनटू सॉरी ग्रॉस वैल्यू इनटू GST डिवाइडेड बाई 100 प्लस GST, मगर ये अलग अलग करने का ज़रूरत है GST, मगर इसको क्लोज ब्रैकेट और सॉरी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे क्लोज करना है, कहाँ है क्लोज, तो ये हो गया हमारा सॉरी ये हो गया हमारा GST वैल्यू, ये डिवाइडेड बाय 2 रहता है हमारा, डिवाइडेड बाय 2 है, सो 196.2 196.2 कॉपी करेंगे यहाँ पे, फिर भी यही पेस्ट करेंगे। अभी इसका मतलब जो है आपको हम बताता है, मगर इसके लिए पहले तो डेसिमल पॉइंट्स बदल लेंगे, फॉर्मेट सेल्स नंबर डेसिमल टू प्लेसेस ओके। तो
देखो अभी इसका कैलकुलेशन कैसा रहता है हम बात आपको बता देंगे। सी 8266.14 8266.14 इनटू हमारा परसेंटेज है 5%, ये देता है हमारा एक वैल्यू डिवाइडेड बाय 105%, ये होगा हमारा जीएसटी वैल्यू, आईजीएसटी वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 2 देगा हमारा सीजीएसटी वैल्यू, तो 196.81 यहाँ पे आ गया 196.81 और यहाँ पे आ गया 196.81 और यहाँ पर हो गया हमारा परसेंटेज, ये होगा हमारा आईजीएसटी। तो इसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला है मगर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता, आईजीएसटी होता है पूरा गवर्नमेंट को पे करने का। तो पेश करो यहाँ पे होगा हमारा आईजीएसटी वैल्यू। टोटल वैल्यू का मतलब क्या है? तो टोटल वैल्यू क्या होगा? इंक्लूडिंग टैक्स का वैल्यू होगा, सिर्फ यही होगा, सॉरी हमारा टोटल वैल्यू जो यहाँ पर है वही वो यहाँ पर भी होगा। तो ये कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, सो ग्रॉस वैल्यू में जो है इसमें इसके अंदर ही टैक्स होगा, तो ये पूरा बढ़ के आ गए तो ये वैल्यू आ जाएगा हमको। तो ये वो होगा इंक्लूडिंग टैक्स का फॉर्मूला, तो कैसा चलता है आईजीएसटी में वो है। तो इसको हम फॉर्मूला ट्रैक करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला है हमारा 20 तक ट्रैक करेंगे और जीएसटी का इसका तो कुछ परसेंटेज यहाँ पे भी ड्रॉप करेंगे और इसका हमारा जो वैल्यू ये भी ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे हमारा जो है वैल्यू ड्रॉप करेंगे। ये फॉर्मूला ट्रैक करने का है रहता है ये, राइट। या टोटल भी ड्रॉ करेंगे, अभी कैसा चलेगा हम देखेंगे। यहाँ पे देंगे एक पेंसिल नटराज, नटराज पेंसिल पेंसिल, इसका कुछ होगा नहीं तो होगा, बैच नंबर छोड़ दो, इसका एचएसएन कोड लेंगे और इसका कुछ रेट लेंगे सम 1205.10 कुछ इसका वैल्यू हो गया, राइट। और यहाँ पे इसका क्वांटिटी देंगे 100, यहाँ पे देखो यहाँ तो आ गया, उसका जीएसटी परसेंटेज देंगे 28%, 28% होगा 1030.5 समथिंग, इसका आईएसटी वैल्यू भी आ गया, इसका परसेंटेज यही 28% हो गया। तो एक बार इसका भी कैलकुलेशन करेंगे हम और इसका सबका टोटल एक बार करेंगे, ड्रैग यहाँ पे इतना करके सम, यहाँ तक जीएसटी इसका ज़रूरत नहीं रहता हमको, ये वैल्यू का तो सम तो ज़रूरत ज़रूर होगा, सम सॉरी यहाँ पे होगा हमारा सम और इसका भी यहाँ पे होगा सम, सॉरी एक्स्ट्रा ड्रैगिंग कर दिया मैंने। यहाँ पर सम, यहाँ पर भी सम और यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी सम और यहाँ पर भी सम, अच्छा ये होगा हमारा टोटल वैल्यू। तो आप यहाँ कुछ कहाँ पे दिखा सकते हैं वहाँ पे, ये हो गया हमारा आईजीएसटी इनवॉइस। तो आपका कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे कर दो, प्रिंट मार दो, तो आपका आईजीएसटी इनवॉइस लोगों के साथ प्रिंट हो जाएगा। तो
तो ऐसा होगा हमारा जीएसटी का इनवॉइस फॉर्मेट। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों, प्लीज़ आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दो।